हेलो फ्रेंड्स, टेंस एंड ट्रांसलेशन, अंग्रेजी बोलना कैसे शुरू करें का यह आठवां वीडियो है। ओके, इसमें हम कुछ सेंटेंसेस जिसमें लास्ट में गया वर्ड है, गया शब्द है, लेकिन सभी सेंटेंसेस में गया का मतलब जाने से नहीं है, मतलब गया का मतलब गो से नहीं है कि कहीं किसी और जगह जाना। पहले सेंटेंस में गया का मतलब जाने से है और इसकी अंग्रेजी होगी वेंट। ओके, गो का दूसरा फॉर्म वेंट, गो वेंट गॉन होते हैं ना, तो दूसरा फॉर्म वेंट का यूज़ किया जाएगा क्योंकि ये सभी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं। ओके, दूसरे में वेंट ऑन का यूज़ किया जाएगा जबकि तीसरे और चौथे में वॉज का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी सेंटेंस पास्ट सिंपल के हैं, तो पहले और दूसरे में सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है जबकि तीसरे और चौथे में वाज का यूज़ किया गया है। अब चलिए इन्हें ट्रांसलेट करते हैं। वह अपने घर गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पहले वह की अंग्रेजी ही, फिर गया की अंग्रेजी वेंट, अपने घर टू हीज होम, ही वेंट टू हीज होम। ओके, यहाँ गया के लिए वेंट का यूज़ किया गया है। दूसरा है वह बोलता गया, यहाँ गया का मतलब जाना नहीं है कि कहीं गया, वह बोलता गया मीन्स लगातार बोल रहा था। ओके, वह बोलता गया, कहीं गया नहीं है दूसरी जगह पे, वह बोलता गया, काम लगातार करता गया। ओके, वह बोलता रहा, यहाँ पर इस गया के लिए गो ऑन का यूज़ किया जाएगा। चूँकि वह बोलता गया पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए यहाँ वर्ब का दूसरा फॉर्म लगेगा, तो गो ऑन का दूसरा फॉर्म वेंट ऑन हो जाएगा। ओके, इसलिए यहाँ वेंट ऑन का यूज़ किया गया है। वह बोलता गया, ही वेंट ऑन टॉकिंग। ओके, ही वेंट ऑन टॉकिंग। तीसरा सेंटेंस, मुझे रुलाया गया, यहाँ पर भी गया है लेकिन यहाँ भी गया का मतलब जाना नहीं है कि कहीं गया, मुझे रुलाया गया। ओके, मतलब किसी ने मुझे रुलाया, ये मतलब निकल रहा है यहाँ पर। लेकिन जो मुझे रुलाया इस सेंटेंस में नहीं है, मुझे रुलाया गया, कौन रुलाया इस सेंटेंस में नहीं है, इसलिए जब जो कोई काम करे और वह काम करने वाला सेंटेंस में ना हो तो वह पैसिव वॉइस का सेंटेंस माना जाता है। और यह पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए वॉज और वर का यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर काम करने वाला नहीं है इसलिए पैसिव वॉइस हुआ। साथ ही रुलाया, ये काम है, रुलाना की अंग्रेजी क्या होती है हमें नहीं पता, लेकिन रोना की अंग्रेजी पता है। रोना मतलब होता है वीप, डब्ल्यू डबल ई पी, वीप मीन्स रोना। लेकिन रुलाना की अंग्रेजी तब क्या होगी, अगर हम रोना के पहले यानी वीप के पहले मेक लगा दें, मेक एम ए के ई, तो रुलाना की अंग्रेजी बन जाएगी। तो रुलाना मीन्स मेक वीप। ओके, मेक वीप, किसी को रुलाना, मेक समबडी वीप, ऐसा होता है। तो मुझे रुलाया गया, तो मुझे यानी आई, और फिर यहाँ वॉज का यूज होगा, आई वॉज मेड टू वीप, आई वॉज मेड टू वीप। जब पैसिव वॉइस में मेक का यूज़ किया जाता है उसके बाद टू इन्फिनिटिव का यूज़ किया जाता है, टू और क्रिया का पहला रूप यूज होता है। ओके, इस तरीके से आई वॉज मेड टू वीप इसका इंग्लिश होगा। जबकि चौथा सेंटेंस, मुझे अपमानित किया गया, यहाँ भी गया का मतलब जाने से नहीं है, अपमानित किया गया, मेरा किसी ने अपमान किया, लेकिन जो अपमान किया वह इस सेंटेंस में नहीं है, मतलब यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और इसीलिए इसको पैसिव में बनाने के लिए यानी इसको ट्रांसलेट करने के लिए वॉज का यूज़ किया गया है। ओके, आई के साथ वॉज लगता है इसलिए वॉज का यूज़ किया गया है, और वर का भी यूज़ किया जा सकता था लेकिन अगर सेंटेंस में कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता, जैसे उन्हें रुलाया गया, उन्हें अपमानित किया गया, तब दे वर का यूज़ होता है यहाँ। ओके, लेकिन मुझे अपमानित किया गया, इसमें वॉज का यूज़ होगा। अपमानित करना, इसकी अंग्रेजी पता है, अपमानित करना, इंसल्ट। ओके, आई एन एस यू एल टी, इंसल्ट, यानी यहाँ पर मेक इंसल्ट नहीं होगा क्योंकि हमें अपमानित करना की अंग्रेजी पता है इसलिए मेक का प्रयोग नहीं करेंगे, जबकि तीसरे में मेक वीप का यूज़ किया गया है क्योंकि रुलाना की अंग्रेजी नहीं पता थी।
तो इसका कैसे बनेगा, आई यानी मुझे, आई वॉज, अब यहाँ भी थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, इंसल्ट का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, जो भी क्रिया होती है उसका थर्ड फॉर्म। तो आई वॉज इंसल्टेड, इंसल्ट इंसल्टेड इंसल्टेड, तीसरा फॉर्म इंसल्ट होता है, तो आई वॉज इंसल्टेड। ओके, एंड इफ यू थिंक द वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।